पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द कार. रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द कार. ये भाई जरा होनी चलाओ. पार्क सुजुकी की खड़म्बा गाड़ियां यार वैगनर ले ले. हम नोट करया जरा देखें बंदा हर मेरा मतलब है कि हर कोई देख रहा हो सड़कों पे लोहे की ईंटें जो लगी होती हैं. मैं सोच रहा था एक टांग लकड़ी की लगवा लूं. दोस्तों आज मैं कोई गाड़ी वगैरह का रिव्यू नहीं लेके आया. आज मैं आपको एक दुख भरी कहानी सुनाने लगा हूँ. एक लेडी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था और वो मुझे मिल ना सकी. आज वो हमारे साथ हैं, मिलने के लिए आई हैं. आइए आज हम आपको मिलवाते हैं BMW 318 2000 मॉडल. अब मेरे दोस्त सोच रहे होंगे मैंने इसको लेडी क्यों कह दिया. तो भाई मैं इस तरह की गाड़ियों को ना लड़कियों की नज़र से ही देखता हूँ. आइए आज इस गाड़ी का रिव्यू करते हैं, इसकी फोला फाली करते हैं और इनके ओनर से भी हम पूरा एक्सपर्ट रिव्यू इसका करेंगे, पूरी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, इसकी एक राइड भी करेंगे. उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी ज़बरदस्त लग्जूरियस कार हासिल की जिसके अंदर बेहतरीन रिस्पेक्ट का एलिमेंट भरपूर पाया जाता है. जहाँ से भी ये गाड़ी गुजरती है अगर वहाँ पर 4-5 million की सिविक भी खड़ी है, सिविक एक्स भी खड़ी है, तो लोगों का फोकस इसी गाड़ी की तरफ होता है. आइए चलते हैं आज के रिव्यू की. Assalamualaikum friends, welcome to another exciting episode of Karigar YouTube video series. आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक बहुत ही प्यारे अजीज दोस्त और एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत लग्जरी कार BMW 318i. इस लग्जूरियस कार के क्या क्या स्पेक्स हैं और किस तरह इसकी परफॉर्मेंस है इन द बिजी ट्रैफिक ऑफ द सिटी एंड इन द लॉन्ग रूट. आइए आज हम इनका इंट्रोडक्शन भी आपसे करवाते हैं, गाड़ी का इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं और इसका एक डिटेल्ड रिव्यू करते हैं और ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पार्क सुजुकी की खड़म्बा गाड़ियाँ वैगनार मिल रही है, किस तरह ये लग्जूरियस गाड़ी इन्होंने हासिल की, कोर्ट से कैसे इन्होंने क्लियर कराई है, हीरा इन्होंने कैसे तलाश किया और कैसे उसे पॉलिश किया. आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे प्यारे और बहुत ही अजीज दोस्त इफ्रान अवान से जो कि GNN के अंदर जॉब करते हैं. कारीगर की तरह गाड़ियों के बहुत ही शौकीन हैं. ही इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद दीज ब्यूटीफुल मशीन्स. आइए आप इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं और गाड़ी का रिव्यू भी करवाते हैं. जी तो इफ्रान साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह आपने ये डिसीजन लिया कि आप BMW की तरफ एक इस तरह की रेयर गाड़ी जो कि मार्केट की गाड़ी नहीं है, एक कलेक्टेबल आइटम है, लोग शौकीन हजरात सिर्फ रखते हैं और आम कंज्यूमर इस तरह की चीज़ों को हाथ डालते वक्त घबरा रहा होता है. ज़्यादातर लोगों को कुछ होती है जनाब असी मेहरान ही लगाएंगे, स्पॉट्स इजीली मिल जाएंगे. तो मैं और मेरे व्यूअर सब आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि किस तरह आपने ये डिसीजन लिया, आपका बजट कितना था और क्या आपकी फैमिली ने और आपके फ्रेंड्स ने लोगों ने सपोर्ट की इस डिसीजन के अंदर. आपको ज़्यादातर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ लोगों ने यही कहा होगा यार वैगनार ले लें या मेहरान ले लें. तो प्लीज़ आप अपने इस पर कमेंट्स बताएं किस तरह आपने ली, क्या डिसीजन था आपका. देखिए जी एक लमसम सा बजट था, पाकिस्तान इंडस्ट्री में मैंने प्राइसेस देखी थी, मेरे पास दूसरी कार भी है करोला है और मैं लोकल गाड़ियां इस्तेमाल कर चुका था जिसमें ना तो वो लग्जरी दे रहे थे और ना कोई सेफ्टी आइटम्स दे रहे थे उसके अंदर. तो मैंने उसके अंदर ये डिसाइड किया कि यार क्यों ना किसी जर्मन कार की तरफ मूव किया जाए. BMW मेरी छोटी से ही बेस्ट है, हमेशा से मुझे बहुत पसंद आई है और मैं इसी पर वर्किंग करता रहा हूँ. तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मेरे बजट में कार कौन सी आ रही है. पहले मैं लोकल मार्केट में घूमा हूँ सारा कि पाकिस्तान में मैंने पहले वर्किंग की कि पाकिस्तान में कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं. मुझे 20 के बजट के अंदर अंदर सिर्फ करोला मिल रही थी, सिटी मिल रही थी, करोला भी यूज़ तो मिल रही थी यूज़ में और सिटी भी ऑलमोस्ट मिल रही थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ बजट एक्स्ट्रा चला जाता था जब आप निकलवाते हैं उसके ऊपर टैक्स वगैरह पे करते हैं, नंबर लगवाते हैं और इसके अंदर से सारा. और अच्छा मैं बात करना चाहूँगा इफ्रान, आप बताइए होंडा सिटी का आपने नाम लिया है, अगर हम इसकी लग्जरी और ड्राइव को अगर कंपेयर करें तो होंडा सिटी यकीनन आपने चलाई होगी अगर आप लेने का डिसीजन कर रहे थे, तो दोनों का कंपैरिजन करके आप सस्पेंशन को ड्राइव को किस तरह रेट करते हैं, किस तरह कंपेयर करते हैं आप दोनों गाड़ी. अगर हम नोट करें आज देखें अगर हम जर्मन कार की तरफ जाते हैं तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, इवन दो सिविक के साथ भी नहीं है. अगर आप कोई SUV भी उठा लें उसके साथ भी नहीं है. जो इसकी लग्जरी ड्राइव है जो कि इसका फील है ड्राइव करने की, वो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते. इवन दो वो जर्मन कार नहीं है जो कि इसके रेंज में या बजट में ना आती हो. फॉर एग्जांपल मर्स है जो कि इसका कंपेटिटर है या फिर ऑडी है. सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ एडिशन करना चाहूँगा वो ये है कि हम यंगस्टर्स जो तलाश कर रहे होते हैं ना द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, कि जहाँ पर हम मूव करें हमारी जो व्हीकल है, हमारी जो भी चाहे वो बाइक है या गाड़ी है,
वो सब लोगों के लिए आई कैचिंग चीज हो, अट्रैक्शन मैग्नेट हो, वो कशिश पैदा कर रहा हो, हर बंदा हर लड़की, मेरा मतलब है कि हर कोई देख रहा हो हमारी तरफ, तो वो सारे का सारा BMW के अंदर मौजूद है। रिस्पेक्ट का एलिमेंट होंडा सिविक या कोई भी गाड़ी मार्केट जो कि इंतहाई मार्केट की हो, रीसेल बहुत अच्छी हो, आप इसके साथ खड़ी करें, लोग उसको देखेंगे भी नहीं, हर बंदे का फोकस इसी की तरफ होगा। Am I right, sir? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन तो मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो मेरे जो हेड है उनके पास सिविक है जो कि 2018 मॉडल है, बिल्कुल ये जो लेटेस्ट मॉडल है एक्स जिसे कहते हैं हम, और वो भी देख के वो हैरान होते हैं कि यार इसमें BMW किस तरह ले रही और सारा कुछ। तो वर्किंग है जी, मेहनत है, अगर आपको शौक है और अगर आप इस तरह की मशीन को मेंटेन कर सकते हैं या इसको इस्तेमाल करना जानते हैं तो ये करोला से भी सस्ती है, यकीन करें सिविक इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस मशीन। अच्छा, दूसरा बड़ा अहम सवाल जो मैं और हमारे सारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं वो ये कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसा कि ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, बेयरिंग्स और इंजन माउंट्स, फाउंडेशन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत जल्द वियर एंड टियर का शिकार हो जाती हैं और टूट जाती हैं, इसके पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी कैसी है, क्योंकि सही पूछ रहे हैं, और इसके बाद क्या इसके इस तरह के पार्ट्स जो कि नॉर्मली जल्दी वियर एंड टियर का शिकार हो जाते हैं लोकल गाड़ियों के, क्या आपको मिल जाते हैं, क्या आपने कोई चीज़ इसकी चेंज करवाई है अभी तक? बिल्कुल, अभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सबके दिमाग में होती है कि यार जर्मन कार है, इसके पार्ट्स यहाँ से मिलेंगे या नहीं, इसके इम्पोर्ट करवाने पड़ेंगे, इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा, टोटल लाए है, ये कोई झूठ है। अच्छा, जो भी आपसे कहते हैं कि चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, सब कुछ अवेलेबल है, और आप समझ लें जिस तरह करोला के पार्ट्स मिलते हैं उस तरह इसके पार्ट्स मिलते हैं, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है अगर आप ढूंढने वाले हो और आपको अगर शौक हो तो। जी हाँ दोस्तों, बिलालगंज, शुभा बाज़ार, शेर शाह कराची, इस तरह की मार्केट्स के अंदर अबंडेंस के अंदर इन गाड़ियों के पार्ट्स मौजूद हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस या एक्सपेंसिव नहीं है, वो बहुत ही सस्ते और ऑलमोस्ट करोला के पार्ट्स के रेट पे ही वहाँ से मिल जाते हैं, बॉडी पार्ट्स भी और मैकेनिकल पार्ट्स भी, शॉक्स वगैरह भी, इवन सस्पेंशन के पार्ट्स भी वहाँ से अबंडेंस में अवेलेबल है, क्यों जनाब? वैसे ही है, बिल्कुल ना इंजन में कोई प्रॉब्लम आई है, ना इसकी ड्राइव में कोई प्रॉब्लम आई है, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव और सब कुछ ओके है। उसके बाद मुझे इसकी ड्यूरेबिलिटी कौन सी पार्ट्स की वो बहुत अच्छी है, नॉर्मल ये जो लोकल गाड़ियाँ उस तरह नहीं है, बेहतरीन। अच्छा, हमें आप इसके ज़रा इंजन के स्पेक्स बताइए और इसके अलावा भी इस गाड़ी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ मौजूद हैं, इसका इंटीरियर कैसा है, इसकी सीट्स कैसी हैं, लॉन्ग रूट पे जब आप जाते हैं या शहर के रश में भी जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आमतौर पर मेहरान या इस तरह की लोकल जो कि बहुत मार्केट की और अच्छी गाड़ियाँ हैं, इवन सिटी भी, मैं सिटी चलाता रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी कोई खड्डा आता है या वो जो ज़मीन सड़कों पर लोहे की ईंटें जो लगी होती हैं जो कैटाइज हैं, जब उस पर सिटी पास करती है तो उसमें खड़खड़ बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो वैगन आर, सिटी, मेहरान, ये सारी गाड़ियाँ मैं यूज़ कर चुका हूँ, इवन सेंट्रो, तो कमर भी थक जाती है, घुटने रह जाते हैं। मैं तो सोच रहा था वैगन आर के अंदर अगर मैंने ये ड्राइव करनी है, खाने वाले मेरा अक्सर जाना होता है, मैं सोच रहा था टांग लकड़ी की लगवा लूँ, तो आपको कैसा फील होता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं या इन द सिटी, हाउ इज़ द बिहेवियर ऑफ दिस कार? देखिए, सिटी के अंदर इसकी ड्राइव अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, अगर आप उन गाड़ियों के साथ कंपेयर करें जो कि लोकली चल रही है तो उनसे बहुत अच्छी है, और अगर आप लॉन्ग पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से इसे लग्जरी कार कोई भी नहीं है, जितनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी उतनी गाड़ी की जो ग्रिप है, रोड ग्रिप है, बहुत अच्छी होती जाएगी। अक्सर आप देखते होंगे मोटरवे पे जा रहे हो स्पीड में, वैगन आर हो, इवन तो सिविक भी हो जो नहीं है, साथ से कोई बस गुजरते हैं तो गाड़ी बिल्कुल वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, लफाफा, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इवन तो 240 का मीटर है, 240 पे भी जा रहे होंगे तो आपको बहुत स्मूथ लुक दे रही होगी, कोई उसके अंदर वाइब्रेशन का एलिमेंट नहीं होगा, कोई उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होगी। अच्छा, इसके इंजन के स्पेक्स और इसके गियर बॉक्स के बारे में और इसके इंटीरियर के जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसके बारे में भी आप हमारे व्यूअर्स को भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, इसके अंदर इंजन है M43 का इंजन है जिसे जो कि सिल्वर इंजन है 2000 cc, और इस सिल्वर इन्होंने इसलिए डाला था ताकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, गाड़ी हीट ना हो इतनी ज़्यादा, नॉर्मली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती अनटिल अनलेस कोई आपका मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। और दूसरा इसका जो गियर बॉक्स है इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि स्टेरमेटिक गियर्स हैं, ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वाहिद एक या दो गाड़ियां होंगी जिसमें से एक ये है, जो कि जिसमें तीन मोड्स हैं, ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स मोड और मैनुअल शिफ्टिंग मोड,
नॉर्मली इसके अंदर जो सी प्री आती है वो सिक्स सीडी चेंजर होती है। और इसके अंदर मैंने खुद ऑनलाइन ऑर्डर की थी, जो कि इसकी ओरिजिनल फिटिंग के अंदर LCD आती है, जो कि मुझे कॉस्ट की है 95,000। खुद मैंने इम्पोर्ट किया उसको, यहाँ से मैंने खुद फिट किया। रही बात इसके काम की, इंजन के, वो भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ आपको। देखें, जो शौकीन आदमी है ना, वो गाड़ी की इची बिची को जानता है। अगर वो इची बिची को नहीं जानता तो वो यूज़र है, वो शौकीन आदमी नहीं है। वो बस अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, गाड़ी का ख्याल नहीं रख रहा। यूट्यूब एक वह चीज़ है जिसके ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। अगर मैंने इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं जाके यूट्यूब देखता हूँ। अगर मुझे खुद ना समझ आ रही हो, वैसे तो मैं खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ कि यार मुझे चीज़ों का नॉलेज हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जब मुझे ना समझ आए तो मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ। यूट्यूब के अंदर सारा कुछ बताया गया होता है। इन केस अगर मुझे कोई चीज़ रिप्लेस करवानी है या फिर कुछ करवाना है तो मैं डायरेक्ट मैकेनिक के पास जाता हूँ, खुद ऊपर खड़ा होता हूँ, उसको कहता हूँ यार ये चीज़ यहाँ से खुलेगी, यहाँ से खोलो और इसको यहाँ से, अगर मैं अरेंज कर सकता हूँ तो मैं अरेंज करके ले आता हूँ और उसको बाद में फिटिंग करवा लेता हूँ। मैं मैकेनिक से कोई काम नहीं करवाता। ज़बरदस्त जी, ये मेरी और आपकी तरह, ये भी बहुत ही एक शौकीन आदमी है, इस गाड़ी से मोहब्बत करने वाले हैं। एक चीज़ और मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि जो नॉर्मली हम जो स्टॉक 318 आई कार्स देखते हैं लाहौर की या पाकिस्तान की सड़कों में, ये उनसे थोड़ी डिफरेंट और मॉडिफाइड लग रही है, लेकिन ये अपने सारे ओरिजिनल M3 टैग पार्ट्स के साथ आई है, जो कि उन्होंने मुझे बताया। हम मजीद डिटेल पूछेंगे कि ये क्या मॉडिफाइड कार है, ये क्या इन्होंने खुद मॉडिफाई करवाई है, ये क्या है? नहीं जी, ये मॉडिफाइड कार नहीं है। ये एक्चुअली BMW जब सीरीज निकालता है तो हर मॉडल में एक स्पोर्ट्स एडिशन निकालता है। राइट, ये स्पोर्ट्स एडिशन है जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सोलह भी बना है, इसके अलावा और नहीं है। जो लोग होंगे जो कि इसको मॉडिफाई करवा लेते होंगे, ये जेन्युइन पार्ट्स के साथ कंपनी फिटेड सब कुछ है, कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ हुआ इसका। दोस्तों, जैसा मैं अक्सर पहले भी मैंशन किया करता हूँ कि ये इस तरह की जो रेयर कलेक्टेबल आइटम्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत मशीन्स हैं, इनको लेना चाहिए, इनको रखना चाहिए। अगर आपका दिल बड़ा है, आप इन्हें मेंटेनेंस कर सकते हैं, इनका ख्याल रख सकते हैं, तो ये गाड़ियाँ मार खाने वाली गाड़ियाँ होती हैं। ये लोकल गाड़ियों की तरह ना तो जल्दी कोई मेंटेनेंस निकालती हैं और ना ही इनके पार्ट्स या इनकी मेटल्स इतनी इन्फीरियर क्वालिटी की होती हैं कि वो जल्दी वियर एंड टियर का शिकार हो जाएं। ये सही माने में मार खाने वाली गाड़ियाँ हैं। एक सवाल जो कि पूछना बनता तो नहीं है, फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए और अपनी वैगनार से कंपैरिजन के लिए वो ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपको ये शहर के अंदर और लॉन्ग रूट पे माइलेज कितनी देती है? ये 2000 CC इंजन। हाँ, ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं ये क्वेश्चन कि यार इसकी जो पेट्रोल है कैसे पूरा करते हो, बहुत एक्सपेंसिव है, जॉब करते हो, शौक रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो करते होगे, एक्स्ट्रा काम करते होगे, जहाँ से इनकम आती होगी जो कि इसको इस पर एक्सपेंस कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ जॉब करता हूँ न्यूज़ चैनल के अंदर। इसकी जो सिटी के अंदर एसी के साथ गर्मियों में जो माइलेज दे रही है वो 9.7, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से सिविक भी देती है सिटी के अंदर एसी के साथ, शायद इससे भी कम देती हो। और लॉन्ग पे अगर हम एसी के साथ जाएं तो 14-15 है, और अगर यही हम एसी ना यूज़ करें तो सिटी के अंदर 11 है और लॉन्ग पे ये 17 तक जाती है। भाई, रिबॉर्न की माइलेज पता है आपको, आप लोगों को? रिबॉर्न शहर के अंदर 5-6 किलोमीटर करती है विदेशी क्रॉसमेटिक वाला मशीन, और लॉन्ग पे अनएक्सपेक्टेडली रिबॉर्न 13-14 किलोमीटर कर जाती है अगर आप 120 के अंदर रहें। ठीक है जनाब। दोस्तों, एक बात मैं आज और शेयर करना चाहूँगा, ये एक बड़ी अजीब बात है, एक डिलेमा है कि हम लोग ना ऐसे ही देखा देखी शीपिश बिहेवियर, पेट्रोल की माइलेज खराब है गाड़ी की, पेट्रोल इतना कर रही है, पेट्रोल उतना कर रही है, लेकिन आपने गाड़ी, आप पहले ये चेक करें आपने गाड़ी मंथ में या वीक में या डेली चलानी कितनी है। याद हो गया आपने गाड़ी जो होती है वो चांद पे लेके जानी, तो पता चलेगा जनाब आपको लाखों किलोमीटर तय करने हैं, और जो एट द एंड जो डेल्टा डिफरेंस बन रहा है, जो एडिशनल डिफरेंस बन रहा है फ्यूल का, वो बहुत ही सब्सटैंशियल है। आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जनाब मेहरान या वैगनार अगर वो शहर के अंदर 13-14 कर रही है वैगनार के देसी, और ये शहर के अंदर 10 के करीब कर रही है, तो मंथ के अंदर ये और मैं जितनी ड्राइव कर रहे हैं, हो सकता है हमारी फ्यूल की कंजम्पशन के अंदर 2000 रुपये का फ़र्क आ रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट के अंदर हो सकता है 2 करोड़ रुपये का फ़र्क आ रहा है। आप ये बात नोट कीजिए। बिल्कुल जी, एक और चीज़ ऐड कर दूंगा, मेरे ये डेली यूज़ के अंदर है, मैं इस गाड़ी को खड़ा नहीं करता, डेली सुबह ऑफिस पे इस पर जाता हूँ, शाम को आता भी हूँ, और नॉर्मल जो से रूटीन में दोस्त की तरफ चले गए या फिर ये होता है लोग करते हैं इस तरह, लोग सोचते हैं कि यार ये घर पे लेके खड़ी कर दी होगी इन्होंने, इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, सेकंड कार होगी, ये मेरी फर्स्ट कार है, इसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेरी गुड,
हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके शॉप को भी, बल्कि आपसे हमने बहुत इंस्पिरेशन भी हासिल की है। हमें गाड़ी का इंटीरियर भी दिखाएं और आइए व्यूअर्स चलते हैं इनके साथ गाड़ी की एक ड्राइव भी देखते हैं, देखते हैं कि BMW आखिर क्या चीज़ है और किस तरह इसकी ड्राइव है और कैसा मज़ा नशा क्या चढ़ता है इस गाड़ी के अंदर बैठ के। आइए चलते हैं जी। तो मेरे कारीगरों, अब हम BMW 318i 2000 मॉडल 2000cc उसके अंदर एक राइड लेने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम चेक करेंगे कि इसकी कंफर्टेबिलिटी कैसी है, ये स्पीड ब्रेकर्स पे कितनी ज़ोर से लगती है, इसकी सीट्स मैं आपको बताता चलूँ इंतहाई कंफर्टेबल है, यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मौजूद है और इसका कंसोल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं एक छोटे साइज़ के लेयर जेट लग्जरी जो प्लेन है उसके अंदर आ गया हूँ। अब आइए हम देखते हैं और साथ इनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। एसी की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताता चलूँ, एसी की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। गर्मी आज बार बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को धूप भी नज़र आ रही होगी। शिरोज साहब हमारे साथ हैं, हम उनका भी बहुत थैंक यू कहते हैं कि वो हमारे साथ जो साहब वो रुलते फिर रहे हैं जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। अच्छा, तो आप इसके साथ मुझे कुछ बता रहे थे, अभी आप ये स्पीड ब्रेकर देखें, ये काफ़ी हाइटेड स्पीड ब्रेकर है जिसमें लोग डरते हैं कि यार इसके ऊपर गाड़ी लग जाएगी यार, इतनी एंटीक गाड़ी हो तो इसके ऊपर से गुजरेगी कैसी, इतनी डाउन होगी तो ये लगेगी भी। और ये गाड़ी बिल्कुल नहीं लगी इसके ऊपर, मुझे नहीं फील हुई और ये वाकई ही नहीं लगी और ये लगती भी नहीं है। बेसिकली BMW जब भी कोई गाड़ी बनाता है उसके अंदर टेक्नोलॉजी इतनी आउटक्लास देता है कि जिस यूजर को पता है ना वो कभी भी BMW से स्विच नहीं करेगा। जब इसको फील हो, जब आप एक फ्रंट व्हील आपका एक स्पीड ब्रेकर पे चढ़ जाता है तो गाड़ी की सस्पेंशन ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेती हैं, तो वो गाड़ी को नीचे लगने नहीं देती अनटिल अनलेस आपने स्पीड में उसको क्रॉस नहीं किया। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा बताइए, इसके मीटर के अंदर जो हमें नज़र आ रहे हैं डिस्प्ले के अंदर, वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गेजेज हैं? कुछ उसमें डिजिटल डिस्प्ले दे रही हैं और कुछ हमारे पास एनालॉग हैं, उसके बारे में भी थोड़ा मेंशन कीजिए कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको डिस्प्ले मिल रहा है। जी बिल्कुल, इसके अंदर इस वक्त तो ये गियर का है, ये डी राइट, जिसमें ये गियर बॉक्स पे जो जो गियर लगा होगा वो साथ साथ गाइड करते जाएंगे। जैसे ये इसके लेफ्ट पे जाएं तो ये स्पोर्ट्स मोड हो जाता है राइट, और इसमें गियर्स मैनुअल हो जाएंगे। ये देखें, ये अभी स्पोर्ट्स मोड है, इसके ऊपर मैं जितना थोड़ा डाल दूंगा उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में ऑटोमेटिकली गियर चेंज करेगी, जितनी वो एंड तक थ्रॉटल खींच सकती है सही पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद ये साथ ही आ जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन, ये है M3, ये देखें मीटर में आ गया होगा मैनुअल 3, ये थर्ड गियर है, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब ये मैं जितनी मर्जी खींचूं ये फर्स्ट गियर में जाएगी। वेरी गुड। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एकदम रंग उड़ गया, मेरी पिक बहुत ज़्यादा गड़ी थी। ओ भाई आराम सा, आराम सा। अच्छा इसकी ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि अभी ये बाइक खोती वाला और एक गाड़ी वाला आगे आ गया था और इन्होंने मेरा ख्याल है कि 5 से 7 फुट के अंदर जो है वो गाड़ी अभी काफी ज्यादा पिक में थी और वो गाड़ी बड़े आराम से कंट्रोल हो गई है और स्किड भी नहीं की। ये क्या है, कोई ब्रेकिंग भी खास है इसके अंदर? इनके अंदर जी BMW ये जितनी भी जर्मन कार है इनके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम वो गाड़ी के वेट के अकॉर्डिंगली होता है। जब ये गाड़ी आप चला रहे होंगे आपको फील होगा कि अगर ये इतनी माइलेज ले रही है ना, फॉर एग्जाम्पल ये सिटी में 9 कर रही है तो उसकी एक वजह है, गाड़ी का एक अपना वजन है, उसका एक वेट है, इंजन भी हैवी है नो डाउट, लेकिन ये जो लफाफा गाड़ी है जैसे आगे सिटी खड़ी हुई है 1.5, मैंने अपने दोस्त से रिव्यू लिया था, वो कहता है कि सिटी के अंदर मुझे ना 9 देती है ऑटोमेटिक जो है, मैंने कहा यार उससे अच्छी तो मेरी BMW है। वेरी गुड, बिल्कुल बेशक जनाब, कोई शक नहीं। अच्छा इसका स्टेयरिंग मल्टीमीडिया हमें नज़र आ रहा है जी, और उसके साथ ये सिस्टम आप मेंशन कर रहे थे कि आपने खुद से इंपोर्ट किया था, इसके स्पेक्स भी हमें थोड़े से बताएं। इसके अंदर ये फुली ऑप्शनल LCD है, ये जो पैनल लगा हुआ है इसके अंदर माइक लग जाता है, IR लग जाता है, इसके अंदर GPS कार्ड भी लग जाता है जो कि पाकिस्तान का इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं, इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है और ब्लूटूथ है, यानी कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है इस पैनल के अंदर ऑलरेडी है, मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगवानी पड़ी, सीधा सिर्फ पैनल मंगवाया मैंने, 6 CD चेंजर्स निकाला है मैंने और उसको मैंने फिक्स कर दिया। वेरी गुड, जबरदस्त। और इसके नीचे ये हमारा क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, बिल्कुल नज़र आ रहा है सामने, बिल्कुल ये क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हम लोग नोट कर रहे हैं, वो पता चल गया है, गाड़ी की बहुत ही लग्जरी ड्राइव है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं तो जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मैं बड़ा ही आशिक हूँ, आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस कार, लेकिन अब मैं ये फैसला करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि जाहिर है कि हम लोग वी आर सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड और हमारे
हमारे से ज्यादा हमारे पे फैसले जो उनसे इम्पोज किए जाते हैं हमारी फैमिलीज की तरफ से तो, लेकिन मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं इस तरह की कलेक्टेबल आइटम जो उनसे है वो मैं जरूर लूंगा अपने लिए भी, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप में कोई शौकीन हजरात हैं तो दोस्तों ये जो हम लोग कुएं के मेंढक बने हुए हैं ना इसमें से निकले आप। हमेशा लोग आपको डिस्करेज ही करेंगे दुनिया के, अगर आपको कोई चीज पसंद है आप फॉलो योर हार्ट, बिल्कुल आप अपने दिल की सुने, और इस तरह की ये खूबसूरत मशीनें हैं इनको लें, इनको रखें, इनको मेंटेन करें, और जो रिस्पेक्ट और जो मज़े की लग्जरी ड्राइव्स इनके अंदर हैं और जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है आप इन्जॉय करें उस चीज़ को। बिल्कुल ऐसे ही है जी, लोग डिस्करेज करते हैं आपको आपके शौक को, लेकिन जब आपको शौक है तो आप उससे पीछे ना हटें, उसके ऊपर पहले वर्किंग करें, उसको जानें चीज़ को, पता लग जाएगा उस चीज़ के अंदर है क्या, तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, वो एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, ईजी टू मेंटेन है, ईजी टू ड्राइव है, और इसमें कोई इस तरह का फॉल्ट भी नहीं है जो कि हल ना हो सके पाकिस्तान के अंदर। इवन दो मैं कहता हूँ कि मैं इनक्रेज करता हूँ लोगों को कि ये मैकेनिक से जान छुड़वाएं, घर पे बैठ के खुद काम किया करें, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, इजीली बंदा घर पे सब कुछ कर सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बंदा खुद नहीं चेंज कर सकता। बड़ी खुशी होती है जनाब आपकी तरह के यंगस्टर्स से मिलके जो DIY और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में बिलीव करते हैं। अच्छा एक सवाल मेरे जहन में आया है, आप उसके बारे में भी अपना कमेंट दीजिए कि आप इसके अंदर पेट्रोल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आयोक्टेन या रेगुलर फ्यूल, ऐसा ही सवाल पूछिए ना। जो टैंक है वो मैं फुल करवाता हूँ, उसके अंदर मैं 1500 रुपीज़ का आयोक्टेन डलवाता हूँ, नॉर्मली जैसे लोग डलवाते हैं राइट, वो तो लोग करोला में भी डलवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस पर भी मैं उस तरह चला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंजन ऑयल स्पेशल नहीं है इसका कि मिगवाइन डालें इसके अंदर, मोबिल वन डालें या जर्मन ऑयल है इसको डालें, लोकल को ना डालें। इंजन ऑयल चेंज करवाने में कितना खर्चा होता है आपका? देखें जैसे नॉर्मल कॉस्ट है 5 लीटर इसके अंदर जो है इंजन ऑयल डलता है, चाहे मैं उसको टोटल का डलवा लूँ चाहे मिगवाइन का डलवा लूँ, मैं बेसिकली मिगवाइन का डलवाता हूँ क्योंकि वो एक बार इंजन ऑयल आपने चेंज करवाया तो उसके अंदर आपकी गाड़ी जो है 15,000 किलोमीटर चलेगी और उसकी मेंटेनेंस, उसकी फ्यूल एवरेज सब कुछ उससे बहुत बेहतर हो जाती है। वेरी गुड, अच्छा तो सही है इसका। और आपको कितनी कॉस्ट आती है उसकी मिगवाइन? मिगवाइन की ऑलमोस्ट मुझे 11,000 कॉस्ट आती है। राइट जी, तो आपका 15,000 किलोमीटर पर चलता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसका तो मतलब ऑलमोस्ट लोकल जो ऑयल्स हैं उनसे बिल्कुल ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है। आप ज़रा ये गाड़ी के इन डैश मौजूद जो पैनल है उसके अंदर से हमारे कैमरामैन दिखाना चाह रहे हैं कि गाड़ी हमें इस वक्त इंस्टेंटेनियसली क्या माइलेज दे रही है। 10.4 मैं पढ़ पा रहा हूँ KMPL जी, बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक ये लग्जूरियस कार जो सी है बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज है, और अभी थोड़ी देर पहले तो बल्कि आप स्पोर्ट्स मोड में चला रहे थे। दोस्तों आई मस्ट मेंशन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मेन मशीन, अगर आप में से कोई भी शौक रखता है तो आप कारीगर से या हमारे दोस्त इफ्रान से किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका ईमेल एड्रेस और इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, अगर आप शौक रखते हैं या आपके पास गाड़ी है और आप कोई भी इनसे हेल्प लेना चाहते हैं रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द कार होनी चला अगर आप कोई भी इनसे हेल्प लेना चाहते हैं या कोई भी आप इससे रिलेटेड डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं कारीगर को या इफ्रान को, हम आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे और इसी तरह की अपडेट्स लेके आते रहेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो आप फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो साथ दिए गए बेल के आइकॉन पर भी प्रेस कर लें। और मैं ये मेंशन करता चलूँ कि इसके बाद ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा स्लो हुआ है आजकल सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से, नहीं तो इसके बाद हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑडी A5 का एक रिव्यू, ऑडी A3 का, और मर्सिडीज स्मार्ट कार 4.2 का, और इसके अलावा लाइन के अंदर ऐसी ज़बरदस्त कार्स मौजूद हैं जो आप और मैं देखना चाहते हैं और उनके बारे में डिटेल्ड स्पेक्स जानना चाहते हैं। मैं और कारीगर की टीम हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये सारी चीज़ें इससे आपको एजुकेट भी करते रहेंगे, अपडेट भी करते रहेंगे, टिप्स ट्रिक्स और हैक्स लेके आते रहेंगे। आप लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली तमाम लोगों का ख्याल भी रखिए और उनके साथ हमारा चैनल भी ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे महजूज और अपडेट हो सकें। थैंक यू वेरी मच, इसी के साथ कारीगर आपसे इजाज़त चाहेगा अल्लाह ने के बाद।